देखिए अपने पर्स को टांग दिया है मैंने और चली हूँ अब बहन जी के साथ वीडियो बनाने के लिए। बड़ी इच्छा हो रही थी, ये सड़क पर वहाँ बैठी हुई सब्जी बेच रही थी जी दोस्तों, और जहाँ अभी उसने अपनी छोटी सी बेबी को बच्ची को छोड़ दिया है। तो मैंने कहा चलिए आपका खेत कहाँ है, इन्होंने कहा हमारा खेत यहीं है। तो मुझे क्या था, बस खेतों में घूमने का जो शौक है जी दोस्तों, तो खेत में आने के लिए मैं बस तैयार हूँ। चलिए यहीं से इन लोगों के रहन सहन और खान पान के बारे में बात हो जाए। दोस्तों ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो है भूरी, भूरी इनकी पाड़ी का नाम है और हमारे यहाँ पाड़ी कहते हैं भैंस के बच्चे को जी। और ये बकरियाँ चर रही, आते जाइए आप भी। और दोस्तों देखिए ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना वह है चूल्हा, चूल्हे पर मक्की और बाजरे की रोटी ये बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं। और दोस्तों ये देखिए ये पीछे भैंस चर रही, क्या नाम है इसका, भैंस नहीं नाम क्या है, नाम तो नहीं है जी, नाम नहीं है। अच्छा बड़े भोले होते हैं जी, हमारे अपने शहर के पास में ही गांव होता है जी, गांव और गांव के अंदर देखिए आप ये जो पीछे देख रहे हैं ना आप खेत ही खेत हैं जी। ये ग्रासिय समाज से हैं, आदिवासी जाति है, लेकिन बड़े सीधे साधे सरल और खेती बाड़ी में विश्वास करने वाले होते हैं। दोस्तों पीछे मेरे देखिए कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है और ये बहन जी भी मेरे साथ साथ आ रही हैं, मुझे इनकी खिलखिलाती हुई हंसी बहुत अच्छी लगती है जी। ये सभी महिलाएं बहुत खिलखिलाकर हंसती हैं और बड़े बिंदास होते हैं, बड़े सरल होते हैं। चलिए अब कुछ आगे की बात हो जाए दोस्तों। तो देखिए मैं ये जो पीछे खजूर के पेड़ दिखा रही हूँ आपको, खजूर के पेड़ कितने सुंदर लगते हैं। ये पीछे का व्यू जो है बड़ा ही मनमोहक और आकर्षक है, आप एक बार अच्छी तरह से घूमकर देख लीजिए जी। स्कूल से लौटते लौटते जब इस तरह का मैंने देखा तो मैंने कहा चलिए क्यों नहीं एक वीडियो शूट हो जाए। और खेत में पानी डाला है, बड़ा संभल संभल के चलना है दोस्तों। देखो खेत तो इस तरह से कैमरे में भी अच्छे लगते हैं ना जी। तो बच्चों अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा यही कहना है कि आप फिल्म और उन चीज़ों को कम देखा करें जो हमारे हमको थोड़ा सा हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हैं, या ये कहिए कि हमारे जीवन के अंदर एक नकारात्मकता ला सकती हैं। बस अगर ज़्यादा ना हो तो इस तरह के गार्डन के ही व्यू देख लिया करें जी। दोस्तों शायद मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी क्या सब्जी बनाएंगे आप, इनसे पूछती हूँ मैं, अभी आप क्या सब्जी बनाएंगे? मेथी है, धनिया है। अच्छा मेथी और धनिया लगाया आपने, ओ पेंदली है, अच्छा है, मूली भी लगाई है, मेथी भी है, धनिया भी है। ये देखिए ये धनिया, ये धनिया, लहसुन, मेथी, पालक सब आपने यहाँ पर खेत में उगा रखा है, खेत में उगा रखा है। चलिए मूली की खेती कहाँ है, मूली मूली के खेत में घुमा दें दोस्तों आपको। थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि शाम हो जाएगी और मुझे घर पर भी तो पहुंचना है जी। अच्छा ये मूली है, वो एक मूली निकाल के दिखाना, देखो अब मूली निकलेगी। मैं आपको टेस्ट तो शायद करा पाऊं या नहीं करा पाऊं लेकिन दिखा जरूर देती हूं दोस्तों। देखिए ऐसे ये मूली छोटी है, छोटी है, है। बाकी देखिए मूली का खेत है, मूली के पत्ते जिसे आप खाते हैं जी। और ये मेथी है। अच्छा ये भैंस का चारा है, रस का। बोलो चलो आज मैंने भी देख लिया, ये भैंस का चारा है, कहीं आप भी मेथी समझ लो का। ये भैंस का चारा है। अच्छा मेथी दूर है, हम फिर कभी जाएंगे बाकी। अच्छा 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 वो धनिया है, वो चौलाई है, और चलो सब खेती में बैठते हैं, सब खेती में खेती उगती है। और ये क्या है, ये भी चारा ही है। ओके ओके
अच्छा ये चोलाई है, ये चोलाई देखो। तो सब कुछ ये छोटे से खेत में अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं और इतना सादगी भरा इनका लाइफ होता है देखो जी। और वो झांकती हुई पीली पीली सरसों कितनी सुनहरी लग रही है, वो सरसों है। तो दोस्तों ये अरावली पर्वतमाला की पास ही ये गांव, और गांव का नाम क्या है? झामर। ये झामर गांव, झामर गांव का मैंने वीडियो बनाया है जो मेरे अपने आबू रोड के नजदीक ही है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं जी। और पंचायत है यहाँ की मूंगथला। दोस्तों लगा होगा वीडियो जरूर अच्छा, अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए और इस तरह से गांव की ओर कभी कभी वक्त निकाल कर जाइए, जीने जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा। देखिए हम कितने कपड़े पहनते हैं लेकिन इनको कोई ठंड वंड नहीं लगती क्योंकि प्रकृति के बीच में जो रहते हैं। हंसी लग रही है ना आपको भी इनकी, बड़ी अच्छी बड़े सरल। ओके आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद जय भारत, जय भारत।